सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआर नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेंद्र अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करता हूं, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। ये डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। शुगर जो होता है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इसमें जो कायरलिटी प्रोवाइड की जाती है, द कायरलिटी, द इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको बोलते हैं कायरलिटी। कायरलिटी कौन प्रोवाइड करता है? ओनली शुगर। कायरलिटी जो प्रोवाइड करता है वो सिर्फ और सिर्फ शुगर प्रोवाइड करता है। कायरलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द शुगर, नाइट्रोजनस बेस नहीं करता। नाइट्रोजनस बेस जिस चीज के लिए काम में आता है, वो किस काम में आता है? वो आता है एब्जॉर्प्शन के लिए। किसके लिए आता है? एब्जॉर्प्शन। किसका एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। बेसिकली लाइट के लिए आता है ये ओडी ऑप्टिकल डेंसिटी के लिए आता है। इसके पास जो होता है वो आपका नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके लिए होता है। एंड यू कैन से दैट कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो शुगर होता है वो पकरिंग में भी इन्वॉल्व होता है। कायरलिटी के साथ साथ ये नॉन प्लैनरिटी को भी शो करता है। किसको करता है? नॉन प्लैनरिटी को भी शो करता है। शुगर जो होता है वो आपके नॉन प्लैनरिटी को भी शो करता है। करता है या नहीं करता, ये नॉन प्लैनरिटी को भी शो करता है। शुगर जो होता है वो आपके नॉन प्लैनरिटी को भी शो करता है। तो देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे। डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोसाइड, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। शुगर और नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं मिलके क्या बनाते हैं? शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड जो फॉस्फेट से मिलता है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड जो होता है फॉस्फेट से करता है। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलके वो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड बनाता है। न्यूक्लिक एसिड कैन बी डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए भी हो सकता है, आपका आरएनए भी हो सकता है। नाइट्रोजनस बेसिस दो तरीके के पार्ट होते हैं, दो तरीके के, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन भी हो सकता है, पिरिमिडीन भी हो सकता है। इसमें कई कई बार पूछा जाता है कि जो प्यूरीन न्यूक्लियस है या पिरिमिडीन न्यूक्लियस है, कौन कहां से आता है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है, कई बार इस तरीके से पूछे जाते हैं। सो अब इसका एक कोड होता है याद करने का कि कौन कहां से आया है, उसका एक कोड है। मैं यहां पे डिस्कस कर देना हूं व्हाट इज द कोड, वो कोड क्या है, ठीक है। दैट इज फॉर द प्यूरीन। फॉर द प्यूरीन अगर मैं कोड की बात करूं, फॉर द प्यूरीन द कोड इज दैट ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन 713, ठीक है, 3 के साथ 9 जोड़ लीजिए, ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन। दैट इज ग्लाइसिन जो होता है, ग्लाइसिन 7 पे आता है, 7 के साथ साथ 5 भी होगा, उसके साथ 4 होगा, 713 ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन 713 है। दैट इज व्हाट ये ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन। डी इज स्पार्टेट, स्पार्टेट फर्स्ट होता है, देखिए एन फर्स्ट। एंड क्यू जो है ये किसके लिए है? ये नाइट्रोजन के लिए है। कौन सा नाइट्रोजन कहां से आया है उसके लिए बताया गया है। प्यूरीन के केस में कौन सा नाइट्रोजन कहां से आया? सातवां नाइट्रोजन जो है ग्लाइसिन से है, पहला नाइट्रोजन स्पार्टेट से, और तीसरा और नौवां नाइट्रोजन जो है वो ग्लूटामीन से है, ठीक है, ग्लूटामीन से है। उसके बाद आता है दैट इज व्हाट FB26, ठीक है, FB जो है वो 26 के एज में करना चाहिए। दैट इज द फॉर्मेट से सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन, एंड ये सिक्स नंबर ऑफ कार्बन जो होता है वो बाई कार्बोनेट से होता है, दिस इज फॉर द कार्बन। ये है प्यूरीन के लिए। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पिरिमिडीन, अगर मैं पिरिमिडीन के लिए बात करूं तो इसका जो क्वेश्चन, इसका जो कोड है, दैट इज द क्वेश्चन बैंक, द क्वेश्चन बैंक, ये याद करना है, द क्वेश्चन बैंक। द क्वेश्चन बैंक अगर आप याद करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। दैट इज व्हाट 132, ठीक है, द क्वेश्चन बैंक में याद कर लीजिएगा। वन का मतलब है वन से स्टार्ट होगा, वन के साथ साथ 6, 5, 4 आपके स्पार्टेट से आएंगे, क्यू का है 3, एंड 2 जो है वो बाइकार्बोनेट से। दिस इज द कोड, अगर याद कर लेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन बैंक, इज इट क्लियर, ठीक है। सो ये कोड्स मैं जनरली यूज करता रहता हूं, तो इसको आप यूज कर सकते हैं अपने पढ़ने के लिए। नाउ सो पकरिंग की बात करता हूं। नॉन प्लैनर जो होता है पकरिंग, दैट इज द नॉन प्लेनर ऑफ द राइबोज C2 इंडो। प्यूरीन की बात करते हैं, पकरिंग जो होता है प्यूरीन में C2 इंडो होता है, और C3 इंडो होता है पिरिमिडीन या आरएनए में।
पिरिमिडीन या आरएनए में C3 इंडो होता है। नाउ प्यूरीन पिरिमिडीन, इसके अलावा भी और जगह क्लासिफिकेशंस होता है जहां पे पूछा जाता है न्यूक्लियोसाइड में ये आपके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। नाइट्रोजन बेस एंड सुगर्स एडेड होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, एक सिन कॉन्फर्मेशन होता है, एक एंटी होता है। सिन का मतलब देखिए, ये जो पर्टिकुलर आपका ओ से ये जो बल्की ग्रुप है वो ऑक्सीजन की साइड होता है, बल्की ग्रुप जब ऑक्सीजन के साइड है तो इसको बोलते हैं सिन, और ये जो बल्की ग्रुप है जब अपोजिट साइड होता है तो इसको बोलते हैं एंटी। प्यूरीन के केस में सिन और एंटी दोनों पाया जाता है, बट एंटी जो होता है इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन अगर आप इमेजिन करो कि इस तरीके से जुड़ेगा तो इतने क्लोज आ जाएंगे कि पॉसिबल ही नहीं है कि जो सिन कॉन्फ़िगरेशन है वो बने आपके पिरिमिडीन में। तो पिरिमिडीन में सिर्फ एंटी पाया जाता है, याद रख रहिएगा, पिरिमिडीन में सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, एंटी पाया जाता है। दैट इज फॉर द प्यूरीन, फॉर द प्यूरीन सिन और एंटी दोनों होता है, लेकिन फॉर द पिरिमिडीन इट्स द एंटी ओनली, सिर्फ और सिर्फ एंटी होता है। न्यूक्लियोटाइड में जो होता है फॉस्फो न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से फॉस्फोएस्टर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन के चलते रहते हैं। यहाँ पे चार्ज अगर किसी न्यूक्लियोटाइड पे कैलकुलेट करना है तो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड एड द प्लस वन, दैट विल बी द निगेटिव चार्ज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे देता हूँ, दैट इज वॉट ए टी जी सी टी सी ए टी, इस पे कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होना चाहिए ए टी जी सी टी सी ए टी। अगर चार्ज की बात करें तो जस्ट काउंट इट, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, कितने न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे, नौ न्यूक्लियोटाइड है। जब नौ न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे तो चार्ज जो होना चाहिए, ठीक है, चार्ज जो होना चाहिए नौ न्यूक्लियोटाइड है, एन प्लस वन, ये किसमें होना चाहिए, निगेटिव में, तो नौ होगा नौ प्लस एक, एक जोड़ के करना है माइनस टेन, ठीक है, माइनस टेन चार्ज होगा। दिस इज द सिंपल वे टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन एनी न्यूक्लियोटाइड, कितना चार्ज होगा आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। सो अब देखने की कोशिश करते हैं द चारगाफ रूल, चारगाफ रूल की बात करते हैं, ओनली फॉर द डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्यूरीन एंड पिरिमिडीन, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन जो होता है यहाँ पे बराबर होता है, प्यूरीन इज इक्वल टू पिरिमिडीन एंड जो ए इज इक्वल टू टी एंड जी इज इक्वल टू सी। एक चीज याद रख रहेगा जो मैं अभी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, क्या, ओनली फॉर द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ओनली फॉर द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड के लिए नहीं होता। वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग की बात करूंगा, सो यहाँ पे 1, 2, 6, 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग पेयरिंग होती है। द इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं ए फॉर्म बी फॉर्म जेड फॉर्म में। बी फॉर्म जो होता है वो राइट हैंडेड होता है, ए फॉर्म भी राइट हैंडेड ही होता है, ए फॉर्म भी राइट हैंडेड होता है, जेड फॉर्म जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। रिपीटेटिंग यूनिट जो होती है बी और ए में वन बेस पेयर की होती है, लेकिन जेड में टू बेस पेयर की होती है। जो रोटेशन 34.3 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि ए फॉर्म में 33.4 होता है, जेड फॉर्म में 30 होता है, ये लेफ्ट हैंडेड होता है, याद रख रहिएगा, जेड फॉर्म इज अ लेफ्ट हैंडेड। इसमें जो मीन बेस पेयर पर टन होता है वो होता है 12, ठीक है, जबकि बी फॉर्म में जो होता है वो होता है 10.4। नाउ एक कोड यहाँ पे यूज होता है जो कि अक्सर मैं डिस्कस करता रहता हूं अपने लर्नर्स के साथ, ठीक है, अपने लर्नर्स के साथ एक कोड डिस्कस करता रहता हूं, वो कोड क्या है, वो एग्जैक्टली कोड है, दैट इज व्हाट द बीएमडब्ल्यू, वो कोड क्या है, वो कोड है बीएमडब्ल्यू का कोड, बीएमडब्ल्यू अगर आपको याद है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। बीएमडब्ल्यू, व्हाट इज बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू में क्या है कि बीडीएनए मेजर ग्रूव, बीडीएनए मेजर ग्रूव वाइडर होगा, मेजर ग्रूव वाइडर होगा, दैट इज अगर ये पता है तो आप आराम से कर सकते हो, बीडीएनए मेजर ग्रुप जो होगा वो वाइडर होगा, ठीक है। सो बी एम मेजर ग्रुप वाइड होगा, दैट इज मेजर ग्रुप वाइड, एंड अगर ये वाइड होगा मेजर ग्रुप तो माइनर कैसा होना चाहिए, माइनर नैरो होना चाहिए। अब बी का उल्टा ए होता है, तो बी का उल्टा ए होगा तो यहाँ पे माइनर ग्रुप जो होगा वो वाइड होगा और मेजर ग्रुप जो होगा वो नैरो होगा, ठीक है। सो बी एम डब्ल्यू से ए जो माइनर ग्रुप होगा वो वाइड हो जाता है ए में उल्टा, और जेड फॉर्म में मेजर ग्रुप फ्लैट होता है और नाउ दैट इज द माइनर ग्रुप नैरो होता है लाइक अ बीडीएनए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कोड यू कैन यूज, एंड इसके बाद जो आता है दैट इज द पकरिंग, पकरिंग जो सुगर पकरिंग होती है वो क्या होती है, वो सुगर पकरिंग क्या, कौन किस फॉर्म में होता है,
कॉन्फिगरेशन जो होता है एंटी होता है, एंटी फॉर द बी डीएनए, एंटी फॉर द ए डीएनए, लेकिन एंटी साइटोसिन के लिए होता है, देखिएगा एंटी फॉर द साइटोसिन और सिन फॉर द गुआनिन, सिन फॉर द गुआनिन। सी टू इंडो होता है बी फॉर्म में, सी टू इंडो होता है बी फॉर्म में, सी थ्री इंडो होता है ए फॉर्म में, और सी टू फॉर द सी एंड सी थ्री फॉर द जी इन द जेड फॉर्म। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस रहते हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। सीएसआई नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआई नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए।